आज हम लोग बेज़ा के बारे में बात करेंगे। तो बेज़ा की फुल फॉर्म होती है वेरी अर्ली स्मोक डिटेक्शन एपरेटस। तो इसका यूज ये होता है कि जब भी इमरजेंसी कंडीशन में, जब भी फायर की कंडीशन ऑकर होती है, तो फायर से पहले कुछ टेम्परेचर इंक्रीज होता है और स्मोक फॉर्म होता है। तो जितना जल्दी हम फायर को डिटेक्ट कर लेंगे, उतनी जल्दी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम एक डिटेक्शन सिस्टम है, तो मेन पर्पज इसका यही है। लोग देखते हैं स्मोक टेस्ट कैसे करते हैं। अभी हमने आर्टिफिशियली स्मोक क्रिएट किया है और आप देख रहे हैं एस्पिरेटर फैन जो है वो स्मोक पर, इस पॉइंट से स्मोक को सक कर रहे हैं और अभी सिर्फ फॉल्ट इंडिकेटर चल रहा है। इसके बाद में भी अलर्ट इंडिकेटर एक्टिवेट होगा। अभी आप देख सकते हैं कि अलर्ट इंडिकेटर जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। इसके बाद में एक्शन इंडिकेटर एक्टिवेट होगा और यहाँ की जो स्ट्रोब लाइट है वो ब्लिंक करेगी। अभी अलर्ट इंडिकेटर जो है वो एक्टिवेट हो चुका है और स्ट्रोब लाइट ब्लिंक करने लगी है। जो इंडिकेटर है वो ब्लिंक करेगा और अंदर जो हुटर लगा है वो बजने लगेगा, पब्लिक अनाउंसमेंट भी होने लगेगा। कोच में आग लगने का संदेश है, रेत लगा दी गई है। कृपया परिवारों के रास्ते कोच से बाहर निकले। गाड़ी से रुक जाने के बाद ही दरवाजों का प्रयोग करें। ये एक पैनल लगा हुआ है जिसको हम पावर सप्लाई पैनल बोलते हैं, या पावर, जिसमें बैटरीज लगी हुई है। ये 12-12 वोल्ट की दो बैटरी लगी है और 7H की है जो कि सीरीज में लगी है। सीरीज में लगने के बाद में मतलब जो 12 वोल्ट एड ऑन होकर 24 वोल्ट सप्लाई ये हमारे सिस्टम को देता है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारे एक SMPS लगा हुआ है जो कि DC वोल्टेज को मतलब डिजायर्ड वोल्टेज देता है, 110 DC वोल्टेज ये लेता है और 24 वोल्ट DC ये आउटपुट में देता है। ये हमारी कनेक्टिंग पॉइंट्स है और यहाँ पे ये पावर चार्जिंग मॉड्यूल है। चार्जिंग मॉड्यूल क्या करते हैं, जैसे नाम से क्लियर है कि हमें बैटरी को चार्ज करता है जब भी रिक्वायर्ड होती है, सप्लाई अवेलेबल होती है। अभी सप्लाई अवेलेबल नहीं होती तो उस केस में बैटरी हमारी सिस्टम को फीड करती है। ये हमारा जो है ये FDS का मेन पैनल है। ये सैंपलिंग पॉइंट्स हैं, दो तरह के सैंपलिंग पॉइंट्स होते हैं, एक है स्मोक बेस्ड, दूसरे होते हैं टेम्परेचर बेस्ड। जो स्मोक बेस्ड है वो स्मोक के बेसिस पे ऑपरेट करते हैं कि स्मोक का लेवल क्या है, और जो टेम्परेचर बेस्ड है वो टेम्परेचर के बेसिस पे ऑपरेट करते हैं। जब भी नॉर्मली जो सेटिंग रहती है टेम्परेचर बेस्ड की वो रहती है करीब 65 ± 5, 60-70 डिग्री टेम्परेचर जाता है तो वो ऑपरेट करता है। ये आप देख रहे होंगे ये इनलाइन फिल्टर है। ये इनलाइन जो भी यहां से आप देख रहे हो स्मोक जाएगा वो इनलाइन फिल्टर के थ्रू होते हुए यहाँ पे ये इनलेट में एस्पिरेटर में जाएगा। ये एस्पिरेटर फैन है, एस्पिरेटर से होते हुए एक फिल्टर यहाँ लगा होगा, फिल्टर में जाएगा, फिर यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है जो लेजर बेस्ड होता है, जो एक्चुअल मेन हार्ट ऑफ द सिस्टम है, जो लेजर के बेसिस पे स्मोक का लेवल क्या है उस बेसिस पे हमारा सिस्टम ऑपरेट करेगा। ये है हमारा पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, जो भी इमरजेंसी कंडीशन में पब्लिक को इलेक्ट्रॉनिकली मैसेज देता है कि हाँ उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये हमारे स्ट्रोब लाइट है विद हुटर। बैटरी के वोल्टेज चेक करते हैं, तो बैटरी वोल्टेज में सिंपली बात सिंपल है कि जो टर्मिनल्स सीरीज में कनेक्टेड है उनका वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि कितना आ रहा है मल्टीमीटर की हेल्प से। तो अभी कनेक्शन कनेक्ट कर रखा है मल्टीमीटर और आप देख रहे हो कि जो वोल्टेज अपेयर हो रहा है वो अप्रॉक्स 26 के करीब हो रहा है, वेरी कर रहा है, जो कि 25 के नियर बाई है, 24 के नियर बाई है। इट मीन्स बैटरी इज ओके। डिटेक्शन सैम्पलिंग पॉइंट्स, तो कई बार ऐसा हो सकती है इस हो या फिर ये जो नेट है ये नेट किसी की वजह से चोक हो रही हो, तो अगर चोक हो रही है तो क्लीन करते हैं। और जब भी स्मोक देते हैं तो स्मोक पे देने पे आप देखोगे कि ये एकदम अंदर की तरफ शक कर रहा है स्मोक, अगर शक नहीं कर रहा है इट मीन्स वहां पे जो एस्पिरेटर है वो यहाँ काम नहीं कर रहा है, वो केस हो सकता है। या दूसरा हो सकता है कि जो पाइप्स का कनेक्शन के साथ वो काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम फ्लशिंग जब करते हैं तो फ्लशिंग में क्लियर हो जाता है। फ्लशिंग कैसे करते हैं आगे बताते हैं।
फ्लशिंग करने में हम इनलाइन फिल्टर को खोलते हैं, ये हम लोग अपना लोकल प्रैक्टिस है, हम लोग कहते हैं इस इनलाइन फिल्टर को खोलते हैं। इनलाइन फिल्टर से एफडीएस पैनल के पाथ को हम इस पाथ को ब्लॉक करते हैं, उसके बाद में यहाँ पे हम हवा फ्लो करते हैं। हवा फ्लो करने का पर्पज इसका फ्लशिंग है पाइप का। हाँ, फ्लशिंग में पाइप में और यहाँ पे जो सैम्पलिंग पॉइंट्स है, इन सैम्पलिंग पॉइंट्स को हम सबको खोल देते हैं, तो जो भी डस्ट होती है पाइप में वो निकल जाती है यहाँ सैम्पलिंग पॉइंट से। और हम एक चीज और चेक कर सकते हैं यहाँ से कि यहाँ कनेक्शन प्रॉपर है या नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कहीं कहीं पे कनेक्शन ब्रेक हो, स्मोक हम अगर सैम्पलिंग पॉइंट से कलेक्ट भी कर रहे थे तो हमारे एफडीएस पैनल तक ना जा रही हो। तो फ्लशिंग का फायदा एक तो ये हो जाता है कि यहाँ कनेक्शन प्रॉपरली चेक हो जाते हैं और पाइप्स हमारे जो भी कनेक्शन है वो चेक हो गए, बस पाइप्स में जो भी डस्ट वगैरह पार्टिकल्स वगैरह थे वो साफ हो गए। और फिल्टर्स को भी हम साफ कर लेते हैं, फिल्टर्स में भी डस्ट कलेक्ट हो जाती है तो उसको भी हम साफ करते हैं।